हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से पेटीकोट की कटिंग। तो वीडियो आप एक बार देख लेंगे ना, तो एक ही बार में आप इसे कटिंग करना सीख जाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीका, आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा। तो सबसे पहले हमें इस फोल्ड कर लेना है पेटीकोट की, जो उसके बाद इसका जो लंबाई है 5 इंच पे हम निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए। तो इस तरह से आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है, जो नए लोग हैं और बहुत ये अच्छे तरीके से, बहुत जब सीखने जाते हैं बहनें तो अच्छे से नहीं बताती हैं, तो एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें अच्छे से निशान लगाना है 5-5 इंच पे। इससे क्या होगा कि हमारी एक सीधी लाइन बन जाएगी, उसके बाद उसको कटिंग करना है हमें। तो इसीलिए मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं किया है। तो आप लोग प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तो आप बने रहिएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से आप पेटीकोट बहुत जल्दी कटिंग कर लेंगे और सिलाई भी बहुत फिनिशिंग के साथ आएगी। तो ये देखिए, हमारा बेल्ट का कपड़ा कटिंग हो गया है। तो हम इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे 2 लेयर में। तो इस एक बात का और ध्यान देना है कि जो लंबाई है तो उसको देख लेना है, चौड़ाई की साइड हमें नहीं कटिंग करना है। तो 1.5 इंच के बराबर हमें डोरी कटिंग कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा जो कटिंग हो रहा है लंबाई की तरफ से हो रहा है कटिंग। इससे क्या होगा कि हमारी जो डोरी है उसमें जोड़ नहीं लगेगा। उसके बाद हम देखेंगे, तो 1.5 इंच के बराबर हम डोरी के लिए कपड़ा कटिंग कर रहे हैं। तो अगर आप हैवी साइज का बना रहे हैं तो, या तो आप कम साइज का हैवी साइज का बना रहे हैं तो भी इस तरह से बनाएंगे, बहुत ही फिटिंग के साथ कपड़ा कटिंग हो जाएगा। तो आप अगर बहुत दुबले पतले के आदमी के लिए, लेडीज़ के लिए बना रही हैं तो एक तरफ आप 10 इंच रखिए, और नहीं तो आप एक तरफ 11 इंच रखिए, दूसरी साइड जितना आता है उतने पे कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए, एक तरफ हम 11 इंच रखेंगे और उस साइड भी हम 11 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे हम इस साइड निशान लगाना है इस तरह से, पकड़ते हुए हम कपड़े को आप लोग देख सकते हैं इस तरह से रख देंगे। और इससे क्या होगा कि हमें निशान भी नहीं लगाना पड़ेगा बीचों बीच जो हम निशान लगाते हैं, क्योंकि कपड़ा बहुत ही अच्छे से बैठ जाता है। जो हमारा पेटीकोट का कपड़ा रहता है वो सरकता नहीं है, तो इसको बीचों बीच हमें कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए, कटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो नीचे का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी अभी हम देखते हैं कैसे कटिंग करते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा, ये कटिंग करना बहुत ही आसान है। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना, इससे क्या होगा कि बेल्ट भी अच्छे से बैठ जाएगा। तो ये देखिए, हमारा कटिंग हो गया है। और कपड़े को हम इस तरह से उठाएंगे और अच्छे से मोड़ देंगे फोल्ड करके। फोल्ड करने के बाद क्या होगा कि जो हमारा नीचे का साइड का कपड़ा है, ऊपर की साइड का कपड़ा, दोनों हमें बराबर में कटिंग कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो हम नीचे का कपड़ा ज्वाइंट करेंगे तो सिलेंगे तो बहुत ही सीधी सिलाई आएगी। ये देखिए, आपको पेटीकोट की लंबाई भी देख लेना है। इससे क्या होगा, इस तरह से कटिंग करेंगे तो लंबाई भी बहुत ज़्यादा मिलेगी आप लोगों को। ये देखिए, ये नीचे का साइड हमारा कटिंग हो गया है, ऊपर की साइड से कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद बेल्ट जो हमारा होता है बहुत ही अच्छे से बैठता है। अगर आप बेल्ट में जोड़ लगाना चाहते हैं तो जो कपड़ा बचा हुआ है तो उसमें से आप जोड़ भी लगा सकते हैं। ये देखिए, तो हमारी पेटीकोट की कटिंग हो गई है। ये देखिए, तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और एक बार इस तरह से ज़रूर कटिंग करना और कमेंट करके बताना।